18 अगस्त यानी आज की तारीख भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए बेहद ही खास है। जी हाँ, ये वो तारीख है जिस दिन मौजूदा दौर में सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला कदम रखा था। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की, जिन्होंने आज से 11 साल पहले 18 अगस्त 2008 को वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। साल 2008 में विराट कोहली को दांबूला में एमएस धोनी की कप्तानी में खेलने का मौका मिला था। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग चोट के कारण नहीं खेल पाए थे और ऐसे में सहवाग की जगह विराट कोहली को खेलने का मौका मिला। विराट कोहली ने इस मैच में ओपनिंग की थी। वैसे अपने प्रदर्शन और टीम के रिजल्ट के लिए विराट इस मैच को शायद ही याद रखना चाहे। इस मैच में विराट कोहली सिर्फ 12 रन बना सके थे। उन्हें नुवान कुलसेकरा ने LBW आउट किया था। भारत की पूरी टीम इस मैच में 146 रन पर ऑल आउट हो गई थी। मेजबान श्रीलंका ने ये मैच 8 विकेट से अपने नाम कर लिया था। बता दें कि भारत को इस बार दांबूला से ही वनडे सीरीज की शुरुआत करनी है। 20 अगस्त को सीरीज का पहला मैच यह खेला जाएगा। टीम इंडिया विराट की कैप्टनसी में यह पहुँच चुकी है और मैच की तैयारियों के लिए जमकर अभ्यास कर रही है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।